मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर अब लगा दिया है क्योंकि आखिरी कुछ दिन ही बाकी हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर में प्रचार के दौरान रोड शो किया और इस दौरान हमारे सहयोगी मारिया शकील उनके साथ थी। उन्होंने देखा उनका प्रचार और उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने कि हमारी पार्टी चुनाव के बाद बैठक में तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और साथ ही कहा कि हमारी पार्टी जीतेगी और 160 तक सीटें आएंगी। सुनवाते हैं वो बातचीत। कैलाश जी, क्या माहौल है? आप देख लीजिए माहौल क्या है, लोग बहुत प्यार करते हैं। इंदौर में मैंने काम किया है, इस मोहल्ले में भी जब मेयर था जब काम किया है, तो लोगों को विश्वास है कि काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कि सरकार ने बहुत काम किया, मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग शहर में विकास कर रहे हैं, प्रदेश में विकास कर रहे हैं, देश में विकास कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, अब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर। पार्टी के आदेश का पालन करना है हमें, तो पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ने लगे, और लड़ने के साथ लड़वा भी रहा हूँ। रोज दिन में 4-5 सभाएं करता हूँ बाहर जाके, शाम को आता हूँ फिर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ। बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? देखिए, जो भी जितना आप शायद आप ही के चैनल में मैंने देखा था कि दो राज्य ऐसे हैं जहां कम बेरोजगारी है अन्य राज्यों की तुलना में, तो हमने काम किया है भाई। हमने यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया। इंदौर में हमने 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया। TCS कंपनी लाए हम, इंफोसिस कंपनी लाए हम, सोर IT कंपनी लाए, और इसलिए यहां पर हमने बहुत विकास किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम हम 100 लाए यहां पर, जिसमें यहाँ के कम से कम 25,000 लोग काम करते हैं। तो बहुत काम किया है सरकार ने, हमने विकास किया और बहुत साफ दिखाई देता है। हर खेत में हमने बिजली पहुँचाई, हर खेत में हमने पानी पहुँचाया। आप किस किसान की बात कर रहे हैं? 7,00,000 हेक्टर में सिर्फ सिंचाई होती थी, आज होती है 45,00,000 हेक्टर में। हमने सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुँचाया। पर कैपिटा मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ी है, किसान का नाराज होने का सवाल ही नहीं। कमलनाथ जी का कहना है कि वो कर्जा माफ़ी करेंगे, आप लोगों ने किसान के लिए क्या किया? उन्होंने तो पहले भी किया था और कर्जा माफ़ नहीं किया। हम वही कहते हैं जो करते हैं और कांग्रेस वही कहती है जो कभी नहीं करती है। तो हम में और उनमें अंतर यही है, हमारे प्रति विश्वास है, कांग्रेस के प्रति अविश्वास है। हमारे नेता के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति, कांग्रेस के नेता के प्रति अविश्वास। आप चाहते थे क्या कि आपके पुत्र को फिर से मौका मिले चुनाव लड़ने का? देखिए, उसमें योग्यता है, मुझे चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। पार्टी ऐसे जो योग्य नौजवान है उसे मौका देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं होता, वो डिजर्व करता है। 3 तारीख को क्या होगा, नंबर बताइए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 150-160 सीट के बीच में सीटें आएंगी।